माय गॉड, शायान, तुम? क्या है सब कुछ मैम? मैम, भूल गए, शांजे। भूलता नहीं हूं मैं, ना अपना मकाम ना अपनी हैसियत। इसलिए आपकी ये नवाजिशात वापस करने आया हूं आपको। शायान, तुमने मुझे दोस्त कहा है और दोस्ती के नाते मैंने तुम्हें सारे गिफ्ट्स दिए हैं। दोस्त कैसे हो सकते हैं मैम? अब अपना स्टेटस देखिए, मेरी क्लास देखिए, कोई जोड़ है मेरा आपका? मैं बिला वजह आपसे गिफ्ट्स नहीं ले सकता। ये सब बिला वजह नहीं है तो शायन। क्या वजह है इसकी, बताइए ना, क्यों कर रही है मेरे साथ आप? पहले वो बाइक, फिर वो जॉब, और अब ये सब कुछ। आपको पता है मेरे घर वालों के सामने मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई है? पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे वो लोग। शर्मिंदगी किस बात की शायन? और ये कोई एहसानात नहीं है, मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, मैं उन्हें भी गिफ्ट्स देती हूँ। परेशानी किस बात की है? परेशानी की बात है मैम, इसलिए कि जिस क्लास से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ किसी अमीर लड़की का किसी गरीब पर इस तरह एहसान करना मायूब समझा जाता है। शायन, प्लीज काम डाउन। मैं दोस्ती और इंसानियत के नाते कुछ करना चाहती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, ना ही दोस्ती के नाते, ना ही इंसानियत के। जो एहसानात आपने मुझ पर कर दिए हैं, मैं उसका ही बोझ उठा लूँ तो काफी है। मुझे इस काबिल रहने दें कि मैं अना और खुददारी के साथ आगे बढ़ सकूं। Why don't you understand? तुम्हारी खुददारी तो पसंद आई है मुझे। कोई इंसान अगर पसंद आ जाए तो उस पर एहसानात करके उसको पाबंद नहीं कर देना चाहिए। एहसानात की क्या बात है शायान? तुम बहुत खुददार हो और मैंने आज तक जो किया है वो तुम डिजर्व करते हो। तुम में कोई एक ऐसी खूबी है जो मुझे तुम्हारी मदद करने पे मजबूर करती है शायान। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे मजीद मदद नहीं चाहिए आपकी, प्लीज। You know what? तुम मेरे घर आए मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे गिफ्ट्स वापस लाओगे ये नहीं सोचा था। लेकिन आप ये भी सोचें कि मैं नहीं सोचूंगी शायान, सोचना तुम्हें चाहिए। किसी के दिए हुए गिफ्ट्स को वापस दिया जाए तो उसके दिल पे क्या गुजरती है? देखिए शाहजहां मैम, आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन सब कुछ करके मुझे मेरी नजरों में छोटा महसूस करवा रही हैं। प्लीज, आई होप यू अंडरस्टैंड।